आइए जानते हैं बारिश वाला सॉन्ग क्यों ब्लॉकबस्टर सॉन्ग बन गया है। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सॉन्ग ने रिलीज़ होते ही ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़े हैं। और तो और, इस गाने का बेसब्री से लोगों को इंतज़ार था। साथ ही साथ आपको ये बता दें, भले ही ये सॉन्ग भोजपुरी में है तो क्या हुआ, लेकिन इसे सुनने वाली ऑडियंस हिंदी की भी है। जी हाँ, पवन सिंह जब भी कुछ नया करते हैं, हम आपको सबसे पहले इसके बारे में जानकारी देते हैं। आपको हम ये बता दें कि इस गाने में पहली बार पायल देव ने भोजपुरी में गाना गाया है। इससे पहले पायल ने कभी भी भोजपुरी में गाना नहीं गाया था। आपको ये भी बता देते हैं कि पायल ने सिर्फ एक दो लाइनें ही भोजपुरी की गाई हैं और बाकी हिंदी ही गाई हैं। लेकिन जब हिंदी में पवन सिंह गाते हैं, जब गाना एंड होने पर रहता है, तब बहुत ही अच्छा लगता है। पवन का शायराना अंदाज भी लोगों को खूब भा रहा है। साथ ही साथ इस सॉन्ग की जो पिक्चराइजेशन है, इस सॉन्ग में जो हीरो हीरोइन है हिना खान और शाहिर शेख, इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। मेड फॉर ईच अदर इस जोड़ी के बारे में हम इतना ही कहेंगे। जब ये गाना हिंदी में रिलीज़ हुआ था आज के एक महीने पहले, तब इसने 250 मिलियन व्यूज़ सिर्फ एक महीने के अंदर ही बनाया था। इस गाने ने सबसे फास्ट 10 मिलियन का व्यूज़ क्रॉस किया था जब ये हिंदी में रिलीज़ हुआ था। अब हम आपको बता देते हैं कि भोजपुरी में भी कुछ इसी तरह से ही इसने आगाज़ किया है। 1 मिलियन तो इसका कपका हो चुका है। अब बारी है ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि इस गाने ने महज 2 घंटे के अंदर ही 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिया है। जैसे ही इस गाने का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज़ हो जाएगा 1 मिलियन वाला, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ आपको हम ये बता दें कि जब इस गाने के हीरो हीरोइन ने भोजपुरी में पवन सिंह की आवाज़ सुनी तो वो बड़े ही ताज्जुब हुए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी सूदिंग, इतनी स्मूदी और इतनी सोलफुल वॉइस किसी भोजपुरी आर्टिस्ट की भी हो सकती है। तो क्या कहेंगे आप हमारे इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लगातार देखते रहिए बारिश का गाना।